कैसे मिली आफरीन आपको ये? मुझे ये फिल्म एकदम अचानक से मिली है, जैसे कि अचानक से कॉल आया और मतलब 2 या 3 दिन बाकी थे शूटिंग के लिए और मुझे ये फिल्म मिल गई। मतलब मैंने कुछ ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था ऐसा कि मतलब ये फिल्म मैं कर रही हूँ। जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तब मैं नहीं थी, मतलब अचानक से हो गया बस, इसे गॉड गिफ्ट। किसने आपको अप्रोच किया था? एक्चुअली मुझे एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने मुझे बताया था इस फिल्म के बारे में और मैं एक्चुअली गई वैसे ही। मतलब फैजल जी ने मुझसे कहा, जो मेरे डायरेक्टर हैं, कि तुम्हें ये करना होगा ये रोल और तुम कर सकती हो। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, बोले नहीं तुम कर सकती हो। वो मुझे एकदम बिठा के एकदम अच्छी तरह मुझे कहने लगे कि तुम इस रोल के अंदर घुस जाओ, एकदम ऐसे ही सोचो कि तुम कर सकती हो तो बस तुम कर लोगी। मैं सोचता हूँ कि तुम करोगी। अपने रोल के बारे में बताएं, क्या रोल है आपका, क्या किरदार आप प्ले कर रही हैं? मैं इस मूवी के अंदर एक डायरेक्टर हूँ और एकदम स्ट्रिक्ट हूँ और मतलब हंसती भी हूँ, तो बस सोच समझ के और हर चीज़ मतलब मैं हूँ नहीं जैसी वैसे ही हूँ, मतलब बिल्कुल मैं ऐसी नहीं हूँ जिसमें मैंने एकदम, मेरे लिए चैलेंजिंग रोल है एकदम ये। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन जब आप गई, जब आपने पहली बार कैमरा फेस करा, कैसा लगा, कैसा माहौल था, क्या हुआ? मेरे डायरेक्टर, मेरे फाइनेंसर, मेरे जो चांद साहब है, मेरे प्रोड्यूसर और जो मेरे डायरेक्टर है फैजल जी, मतलब उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मतलब बस कि मुझे फर्स्ट दिन ही से इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है ना, पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा उन लोगों की सपोर्ट मुझे इतना अच्छा था कि मतलब मैंने बस उन लोगों की सपोर्ट की वजह से किया। इस फिल्म में और भी बहुत सारे को एक्टर्स यहाँ के जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस एक्टर्स भी हैं, तो उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा और क्या टिप्स दी उन्होंने आपको इस काम के लिए? जब मेरा सीन ऋषिता जी के साथ था तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं ऋषिता जी और विकास जी के सामने कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब उन लोगों ने मतलब प्यार से एकदम बच्चा कह के और प्यार से उन्होंने बोला नहीं तुम छोटी हो तुम कर सकती हो, मतलब बहुत प्यार, सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की है इस मूवी के लिए। मतलब अगर मतलब सब ऋषिता जी के साथ जब मेरा सीन था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब उन्होंने एकदम गले से लगाया, प्यार से बोला नहीं मेरा बच्चा मेरा लाल तुम कर सकती हो। आप एक डायरेक्टर का रोल कर रही हैं इस फिल्म में, तो क्या उसके लिए रिसर्च करना पड़ी, क्या आपने डायरेक्टर से टिप लेना पड़ी आपको रोल को? मेरे डायरेक्टर है ना फैजल जी, उनकी टिप तो बस वो भी जिससे चाहें उससे एक्टिंग करा सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार इतना अच्छा तरीका है काम कराने का, मतलब एकदम गले से एकदम लगा लेते हैं, एकदम पीठ पर थपथपाते हैं, कहते हैं नहीं यू कैन डू इट तुम कर सकते हो। ऋषिता के साथ जो मेरा फर्स्ट सीन था तो पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन फिर बाद में जब उन लोगों ने कंपनी दी और उन लोगों का साथ था तब मतलब उन लोग सब पूरे ग्रुप पूरी यूनिट ने मुझे हेल्प की है। इस फिल्म की म्यूज़िक के बारे में क्या क्या ख्याल है आपने? हम लोग आज ऑडियो लॉन्च में बैठे हैं, तो इसलिए म्यूज़िक इसकी म्यूज़िक इस फिल्म में तो हर तरह की म्यूज़िक है, मतलब इमोशनल सॉन्ग्स है, आइटम सॉन्ग है, मतलब सारी तरह के इसमें गाने हैं और मुझे लगता है आई थिंक सो गॉड ने चाहा तो मतलब माइंड ब्लोइंग। आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसमें? जो दैट सॉन्ग इज कवाली है ना, किसी के दिल में चाहते, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। जो आप किरदार इस फिल्म में प्ले कर रही हैं आफरीन, वो किरदार किसी सुनने में आया कि किसी और डायरेक्टर से मिलता जुलता है, तो क्या पब्लिक पहचान पाएगी कि वो डायरेक्टर कौन है? मैं तो ये बात नहीं कह सकती हूँ, मैंने तो बस मुझे एक ऑफ़र आया एकदम इतना अच्छा चैलेंजिंग रोल के लिए, मैंने कर लिया, अब वो पब्लिक के हाथ में है कि मतलब। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसमें आपको लगा हो कि वो आज भी आप अगर सोचती हो तो आपको हंसी आ जाती हो, या कोई ऐसा गुफा हुआ हो? हाँ वैसे तो बहुत कुछ हमारे साइड पे हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक कोई ऐसा पल नहीं, सारे पल इस फिल्म में सारे पल मैंने अच्छे से बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करने में और मुझे तो सारे पल अच्छे लगते, ऐसा नहीं कि कोई एक आग पल है। ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए एक न्यू कमर के लिए गॉडफादर बन जाता है, तो आपका गॉडफादर कौन है? मेरे गॉडफादर, मेरा इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे मतलब मैं जब भी सैड होती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, उस इंसान ने मुझे हमेशा आगे बढ़ावा दिया है। मतलब कहते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, तुम अकेली नहीं हो, तुम क्यों सोचती हो कि तुम अकेली हो,
ये आपकी पहली फिल्म है, इसके बाद हम आपको और किस रूप में देखेंगे और कैसी एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म से? वो तो पब्लिक के हाथ में कि वो मुझे पसंद करे, फिर उनके बाद अगर वो मुझे पसंद करेंगे तो फिर ऑडियंस पसंद करती है, तो फिर उसके बाद डायरेक्टर्स तो अपने आप पसंद करेंगे। इसके बाद हम आपको किस तरह के रोल्स में देखेंगे? कुछ साइन करी है फिल्म में आपने? अभी कर रही हूँ, वैसे ही है, 2-3 एल्बम्स कर रही हूँ, 1-2 फिल्में मैंने साइन की है, लेकिन वो सब सरप्राइज है, अभी कुछ नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी ये फिल्म हिट हो, आने वाली सारी फिल्में कामयाब हो, सारे आने। थैंक यू वेरी मच।